जैसा कि हमको सबको पता है कि समय के साथ बदलाव होना जरूरी है, इसी तरह से हमारी शिक्षा नीति में भी बदलाव हुआ, अब इसी तरीके से हमारे एडमिशन प्रोसेस में भी बदलाव हो रहा है। इसका पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि जो इनका एडमिशन क्राइटेरिया होता था पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम बेसिस पर, उसको एलिमिनेट करके अब एक नए एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसके थ्रू जो भी हम प्रेशर लेते थे एग्ज़ाम से रिलेटेड मार्क्स गेन करने के लिए, अब वो कम हो चुका है। प्रेशर अभी भी है, आपको अभी भी स्कोरिंग करनी पड़ेगी, पर आपको वो जो प्रेशर होता था, पीक प्रेशर होता था मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स लाने का, वो एलिमिनेट हो चुका है इस इनिशिएटिव के थ्रू। एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे बिफोर गेटिंग इनटू इट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये अभी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही फॉलो होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कई सारे इसको फॉलोअप कर रही हैं, पर ये एक सजेशन दिया गया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी कि वो भी इस पैटर्न के थ्रू अपने एडमिशन क्राइटेरिया को फॉलोअप कर सकते हैं। पर अभी उनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा गया है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मैंडेटरी नहीं रखा है, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ये फॉलोअप करना पड़ेगा अपने न्यू एडमिशन्स लेने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही हो तो डी यू की बात ना करें तो ये तो गलत होगा हमारे लिए। आपको समझना पड़ेगा कि डी यू भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते उसको भी इस नए क्राइटेरिया को फॉलोअप करना पड़ेगा। तो अब जो स्टूडेंट्स सोचते थे कि उनके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो डी यू में एडमिशन नहीं मिलेगा, उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा उनको, तो पूरी तरह से गलत हो गया है उनके लिए। अब उनके पास एक चांस है, CUET एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू वो अब अपने ड्रीम कॉलेज को गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एप्टीट्यूड स्किल एंड उनके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट को वो लेना चाहते हैं उसके स्किल को गेन करके। बोर्ड स्टूडेंट को पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेम चीज़ है जो आप एक्चुअली में चाहते ही हैं। आप उसी कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, साथ ही साथ एक एप्टीट्यूड स्किलफुल एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं जिससे आपकी स्किल इंप्रूव हो। मगिंग की जगह आप एक स्किल सीख लें, वो बेटर चीज़ रहेगी। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करें। हाँ, मार्क्स अभी भी ज़रूरत है, पर एक उसको लो कर दिया है ताकि आपको पैनिक ना क्रिएट हो, आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से जाए। वहीं अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल मॉडरेट रहने वाला है और साथ ही साथ स्किलफुल रहने वाला है। हमारे UGC के चेयरमैन जी ने क्लेरिफाई कर दिया है कि एग्ज़ाम बिल्कुल स्किलफुल रहने वाला है। साथ ही साथ स्टूडेंट को अपने मन पसंदीदा स्ट्रीम चुनने के लिए एक अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी इसी के साथ कंडक्ट किया जाएगा, जिससे वो अपना डिसाइड कर सके किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वर्थ इट है कि नहीं। ज़रूर हाँ, एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि वर्थ इट है, क्योंकि जो बर्डन है हमारा मगिंग का, प्लस स्किल कम्युनिकेशन स्किल में जो हमारा गैप है उसको फिलअप करने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो बर्डन की वजह से हम जो मगिंग की तरफ कंसिडर होते जा रहे हैं वो रिड्यूस करना ज़रूरी है, और एप्टीट्यूड और जो स्किल्स बेसिस टेक्निक्स होती हैं उनको ज़्यादा हमें समझना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम और भी कई सारी डेप्थ वीडियो बनाने वाले हैं ताकि व्यूअर्स को क्लेरिफाई हो सके कि एक्चुअली ये है क्या। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलती रहे और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। थैंक यू वंस अगेन।